हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन की दाल। बहुत ही टेस्टी होती है और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सोयाबीन ली है और इसको मैंने पानी में भिगोने रखना है, तो मैं इसको लगभग 4 घंटे पानी में भिगोने रखूँगी। और इसमें कुछ ये ब्लैक कलर का सोयाबीन है, ये दोनों मिक्स है, तो इसमें ब्लैक कलर का थोड़ा सा है और जो ये वाइट वाला है ये ज़्यादा है। तो इसको मैंने 4 घंटे पानी में भिगोने रखा था, ये फूल गया है। तो एक कटोरी मैंने सोयाबीन रखी थी तो फूल के ज़्यादा हो गई है। अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। और मैंने कुकर को रख लिया है गैस में, तो अब मैं इसमें डालूंगी दाल। तो सबसे पहले मैं दाल को बॉईल करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो आप ग्रेवी के अनुसार ही इसमें पानी डालें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। और मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम डालूंगी मैं हल्दी और मैं इसको 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो इसमें लगभग मैं 4 सीटी आने दूंगी। तो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तब तक मैं मसाला तैयार करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख लिया है गैस में, इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तेल और अब मैं डालूंगी इसमें 1 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच डालूंगी मैं जीरा और साथ ही डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और अभी इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी लहसुन। यहाँ पर मैंने 6-7 कलियां लहसुन की बारीक काट ली है, इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और ये देखो हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से पक गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, तो आप चाहे इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, तो नमक हमने पहले भी डाला है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी भी हमने पहले भी डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और अब मैं इनको अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पर हमारी दाल बॉईल हो चुकी है, तो मैं इसका ढक्कन खोल के देखती हूँ। और दाल अच्छे से बॉईल हो गई है, मैंने दाल में 4 सीटियाँ लगाई हैं और बहुत ही अच्छी दाल पकी है, अच्छे से बॉईल हो गई है और मसाला भी यहाँ पर रेडी हो गया है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो अब मैं इसमें दाल को डाल दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसालों को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो दाल बहुत ही अच्छी लग रही है। और अभी मैं दाल को थोड़ा और पकाऊंगी, लगभग मैं दाल को 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। तो मैं यहाँ पर दाल को ढक के पकाने वाली हूँ, तो 3 से 4 मिनट और पका लूँगी मैं दाल को। और 4 मिनट हो गए हैं, दाल बनके रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छी दाल बनी है। ये देखिए दाल का कलर बहुत ही अच्छी बनी है। और अब मैं ऊपर से डालूँगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी दाल लग रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए इस दाल को। और फ्रेंड, मैंने सोयाबीन की दाल को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं, तो बहुत ही अच्छी दाल बनी है, परफेक्ट दाल बनी है। और अब मैं इसको सर्व करूंगी, तो आप देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रहता है। और आप भी एक बार इस सोयाबीन की दाल को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दाल कैसे लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।